लेकिन इस तरह की चीजें जब दिखाई देती है ना कस्टमर को, तो जो कस्टमर का भरोसा है ना वो जरूर से उठ जाता है ब्रांड के ऊपर से। वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाला हूँ बोट का एक और लेटेस्ट अफोर्डेबल कॉलिंग वाला स्मार्ट वॉच, बोट वेव फ्लेक्स कनेक्ट। देखिए खास इसमें और ओवरऑल जिस प्राइस में मिलता है आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच रहेगा या फिर नहीं। अभी के लिए बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं बोट का लोगो, स्मार्ट वॉच का पिक्चर, वेव फ्लेक्स कनेक्ट मतलब के मॉडल नेम, साथ में मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन ब्रांड, देख के काफी प्राउड वाली फीलिंग होती है। साइड में यहाँ पर कुछ फीचर्स स्पेसिफिकेशंस वगैरह बोट स्मार्ट वॉचेस दिया हुआ है, और इस तरफ आएंगे तो काफी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैन्युफैक्चर्ड बाइक डिटेल्स वगैरह, और पीछे की तरफ और भी काफी सारे फीचर्स स्पेसिफिकेशंस वगैरह दिए हुए हैं। अभी के बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले रखा हुआ मिल जाता है अपना मेन प्रोडक्ट मतलब स्मार्ट वॉच, साथ में यहाँ पर साइड से मिलता है कुछ और सामान जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक यूएसबी ए टू मैग्नेटिक वाली चार्जिंग केबल, साथ में है यहाँ पर खूब सारा डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि ये एक ब्रांड की तरफ से थैंक यू कार्ड, एक यूजर गाइड, साथ में ये एक वारंटी इन्फॉर्मेशन कार्ड, 1 ईयर की वारंटी मिलती है इस स्मार्ट वॉच की, और साथ में यहाँ पर हमेशा की तरह मिलता है एक काफी बड़ा सा प्रोडक्ट कैटलॉग, और है ये एक बोट हेड स्टिकर। और कुछ भी नहीं है तो आ जाते हैं वापस से अपने मेन प्रोडक्ट मतलब कि स्मार्ट वॉच पर, और अभी के लिए स्टार्ट करें स्मार्ट वॉच के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो फर्स्ट लुक में जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्वेयरिश शेप का स्मार्ट वॉच है, टॉप पर कर्व्ड ग्लास, साइड में फ्लैट एजेस मिलते हैं, साइड में डायमंड कट डिजाइन मिलता है, पीछे की तरफ यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बैक मिलता है, साइड में एक क्राउन स्टाइल पुश बटन दिया हुआ है जो कि घूमता भी है, और पीछे की तरफ यहाँ पर एक माइक का होल, स्पीकर ग्रिल, साथ में यहाँ पर कुछ सेंसर्स वगैरह, गोल्ड प्लेटेड चार्जिंग पॉइंट और कुछ मॉडल नेम और स्पेसिफिकेशंस वगैरह दिए हुए हैं। बाकी यहाँ पर इंटरचेंजेबल सॉफ्ट सिलिकॉन स्किन फ्रेंडली मटेरियल के स्ट्रैप्स मिलते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है, साथ में यहाँ पर मेटल का लॉकिंग मैकेनिज्म और काफी सारे होल्स मिलते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर रिस्ट पर जब पहनते हैं ना स्मार्ट वॉच तो काफी कंफर्टेबल रहता है। साथ में IP68 वाटर एंड डस्ट असिस्टेंट भी है स्मार्ट वॉच, तो यहाँ पर थोड़े बहुत स्वेट वेट या फिर पानी से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ओवरऑल यहाँ पर ड्यूरेबल सा मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ है, और लुक वाइज भी स्मार्ट वॉच फर्स्ट लुक में थोड़ा सा प्रीमियम सा ही दिखता है रिस्ट में जब पहनते हैं। लेकिन एक मेजर दिक्कत लगी स्मार्ट वॉच के अंदर जो है इसकी क्वालिटी फिनिशिंग को लेकर, फ्लिपकार्ट की तरफ से मुझे डिलीवर हुआ ना तो यहाँ पर ओपन बॉक्स डिलीवरी है तो मुझे वहां पर ही इसका जो इश्यू है वो नजर आ गया था, यहाँ पर जहां तहां ग्लू दिखाई दे रहा था साइड्स में निकला हुआ, और बड़े शर्म की बात है कि इंडिया में ही स्मार्ट वॉच मैन्युफैक्चर हो रहा है और क्वालिटी चेक में ऐसी दिक्कत निकल कर आ रही है स्मार्ट वॉच में, बताते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहता तो डिलीवरी के टाइम पर ही इसको वापस कर सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि ब्रांड को पता चले यहाँ पर क्वालिटी इश्यू है स्मार्ट वॉच के अंदर। 1500 के प्राइस में स्मार्ट वॉच आ रहा है, काफी अच्छा स्मार्ट वॉच दिखता है, लेकिन इस तरह की चीजें जब दिखाई देती है ना कस्टमर को, तो जो कस्टमर का भरोसा है ना वो जरूर से उठ जाता है ब्रांड के ऊपर से। सो बोट से भी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा अपना क्वालिटी चेक है ना उसको बढ़ाएगा, अच्छे से उस पर काम करेगा, बिकॉज ऑफ बोट काफी फेवरेट ब्रांड है अभी के लिए इंडिया का। बाकी मुझे लगा ये बात मुझे बतानी चाहिए सभी लोग को, तो मैंने बता दी, बाकी आप बताएगा आपकी क्या राय है नीचे कॉमेंट्स में। नेक्स्ट अभी के लिए बात करें स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर मिलता है एक 1.83 इंच का HD डिस्प्ले विद 240x280 का रेजोल्यूशन। डिस्प्ले के अंदर कलर्स वगैरह अच्छे से देखने को मिलते हैं, ब्लैक बहुत ज्यादा डीपर ब्लैक नहीं है बिकॉज इस प्राइस सेगमेंट में TFT डिस्प्ले आते हैं, वैसा सा ही ये है। बाकी व्यूइंग एंगल्स वगैरह अच्छे हैं यहाँ पर, साथ में जो डिस्प्ले है काफी ब्राइट भी है, 550 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो इंडोर के साथ साथ आउटडोर डायरेक्ट सनलाइट में भी डिस्प्ले विजुअल रहता है, साथ में जो टच रिस्पॉन्स है वो भी मैं बोलूंगा काफी इंप्रेसिव है। डिस्प्ले में बस वही दिक्कत है जो कि अभी के लिए मोस्टली स्मार्ट वॉचेस में है अफोर्डेबल सेगमेंट के जितने भी हैं, साइड के जो बेजल्स हैं वो लेफ्ट में राइट में ऊपर की तरफ तो ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं, बॉटम में थोड़ा ज्यादा ही थिक है। अब ब्रांड्स जब प्रोडक्ट इमेज पर डालते हैं फोटो तो ऐसा डालते हैं ब्लैक वॉलपेपर लगा करके साइड में बिल्कुल बेजल नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट कनेक्शन और सेटअप की बात करें तो यहाँ पर स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम जब ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक बार कोड दिखाई देता है जिसको स्कैन करके या फिर डायरेक्टली एंड्रॉइड है तो प्ले स्टोर में और आईफोन है तो ऐप स्टोर में जाकर बोट हब ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करके लॉग इन साइन अप करके वहां पर ऐप के अंदर दिख जाता है स्मार्ट वॉच, सिंपली टैप करके बड़े आराम से पेयर कर सकते हैं स्मार्ट वॉच को, टाइम डेट वगैरह सब कुछ सेट हो जाता है क्विकली। वैसे ब्लूटूथ वर्जन LE 5.1 है जो कि लो एनर्जी कंजप्शन के साथ में आता है जिससे कि यूसेज टाइम ज्यादा मिलता है। जो कनेक्शन रेंज है वो अप टू 10 मीटर्स की मिल जाती है, बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है तो बड़े आराम से कनेक्ट रहता है स्मार्टफोन के साथ में। नेक्स्ट यूजर इंटरफेस और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड वाला जो क्राउन जैसा बटन है इसको पुश करके लाइट ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, और डायरेक्टली यहाँ पर कहीं भी मेन्यू वगैरह में है तो होम स्क्रीन पर आ सकते हैं। सिंपली टैप एंड होल्ड करेंगे होम स्क्रीन के ऊपर, जो 4-5 वॉच फेसेस है ना उनमें से जो भी आपको चाहिए सिंपली टैप करके अप्लाई कर सकते हैं। और इनके अलावा 100+ और भी क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस मिलते हैं जो कि बोट हब ऐप के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, वहां पर आपको जो भी पसंद है बड़े आराम से सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं, क्विकली अप्लाई हो जाता है। बस यहाँ पर कस्टम वॉच फेस वाला ऑप्शन यहाँ पर मुझे नहीं मिला ऐप के अंदर, जहां पर कि फोटो लगा सकते हैं ना अपना वॉच फेस पर, तो आपको मिले अगर स्मार्ट वॉच बाय कराए तो कमेंट करके जरूर बताएगा है कि नहीं। होम स्क्रीन से नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर डेट डे के डिटेल, बैटरी का लेवल कितना है, स्मार्ट वॉच कनेक्टेड है कि नहीं, साथ में यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स वगैरह मिलते हैं। ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिविटी मॉनिटरिंग मिलती है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, वेदर
इन्फॉर्मेशन, म्यूजिक कंट्रोल, साथ में स्लीप मॉनिटरिंग यहाँ पर अवेलेबल है। हम स्क्रीन से राइट में स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल मिलता है। डिफरेंट जितने भी एप्स के आपको नोटिफिकेशन चाहिए ऐप के जरिए एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर स्मार्टफोन के साथ में इंस्टेंटली नोटिफिकेशन अलर्ट मिलता है, मैसेज वगैरह को यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं। हम स्क्रीन से राइट में स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर मेन मेन्यू मिलता है, जहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर वर्कआउट्स मिलते हैं, आउटडोर रन, आउटडोर वॉक, इनडोर रन, इनडोर वॉक, आउटडोर साइकिल, इनडोर साइकिल, टोटल 10 स्पोर्ट्स मोड है जिनमें से जो भी आपको चाहिए सिलेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और रियल टाइम में यहाँ पर स्मार्ट वॉच जो है डेटा कलेक्ट करता है, क्या हार्ट रेट चल रहा है, क्या डिस्टेंस चली आपने, क्या पेस है, क्या स्टेप काउंट है, कितने मिनट हो गए आपको और कितनी कैलोरी बर्न करी है, ये सब डेटा स्मार्ट वॉच के अंदर रिकॉर्ड्स के अंदर सेव हो जाता है। नेक्स्ट है हार्ट रेट मॉनिटरिंग मिलती है, इसके बाद में यहाँ पर स्ट्रेस मॉनिटरिंग मिलती है, साथ में SPO2 मॉनिटरिंग भी यहाँ पर अवेलेबल है। वैसे ये जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग SPO2 मॉनिटरिंग है ये मैंने टेस्ट करके देखी, एप्पल वॉच के साथ में कंपेयर करके देखा तो थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पर जरूर से मिलता है दोनों ही रिजल्ट में। तो मैं तो यही बोलूंगा थोड़ा सा आइडिया जरूर से लग सकता है इस स्मार्ट वॉच के जरिए हेल्थ ट्रैकिंग का। साथ में वेयर डिटेक्शन भी नहीं है स्मार्ट वॉच के अंदर, तो कहीं भी टेबल वेबल पर रखकर उसका हार्ट रेट या फिर ब्लड ऑक्सीजन परसेंटेज लेवल भी नाप सकते हैं। सो मैं हमेशा ही बोलता हूँ बहुत ज्यादा इन स्मार्ट वॉचेस का भरोसा ना करें, क्रिटिकल मेडिकल कंडीशंस में आप मेडिकल इक्विपमेंट्स का ही भरोसा करें। नेक्स्ट है फोन कॉल वाला जो फंक्शन है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको ऑन करके ऑफ करके रख सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो ऑफ करके रखिएगा, अगर बात करनी है तो ऑन करके रखिएगा। रिसेंट कॉल्स मिल जाते हैं, आए गए नंबर्स को सिंपली टैप करके कॉल लगा सकते हैं। साथ में कुछ कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी आप ऐप के जरिए सेव करके रख सकते हैं। साथ में यहाँ पर डायल कर सकते हैं डायरेक्टली डायल पैड के जरिए, कोई भी नंबर सेम टाइम पर स्मार्टफोन से कॉल चला जाता है। और आप देख सकते हैं स्पीकर का वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, स्पीकर अच्छा खासा लाउड है और म्यूट करने का ऑप्शन है। और बात करने के बाद सिंपली यहाँ पर कॉल को कुछ इस तरीके से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। कॉलिंग क्वालिटी कैसी है? तो अभी के लिए मैंने स्मार्ट वॉच के जरिए कॉल किया हुआ है, आउटडोर में हूँ, थोड़ा बहुत नॉइस वॉइस भी आसपास, और स्मार्ट वॉच मेरे मुंह से करीब 1 फीट के डिस्टेंस पर या फिर आधे फीट के डिस्टेंस पर है। तो आपको आइडिया लग जा रहा होगा ये जो साउंड आप तक पहुंच रहा है ना, ये है उस तरफ की कॉल रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पर एक्टिविटी मॉनिटरिंग मिल जाती है, जहाँ पर कैलोरी काउंटर, स्टेप काउंटर और कितनी डिस्टेंस आपने चली है ये रियल टाइम में स्मार्ट वॉच कलेक्ट करता रहता है। साथ में हेल्थ के कुछ और फीचर्स की बात करें तो ब्रीथ एक्सरसाइज मिलती है, स्लीप मॉनिटरिंग मिलती है। 2 बजे से पहले ही पहले सो गया था, यहाँ पर 3:30 से दिखा रहा है और उठने का टाइम 8:15 का है, तो उठने का तो ठीक है लेकिन सोने का टाइम सही नहीं है। नेक्स्ट है वेदर इन्फॉर्मेशन, अलार्म, स्टॉप वॉच, टाइमर, म्यूजिक कंट्रोल्स मिलते हैं। सिंपली प्ले पॉज कर सकते हैं किसी भी म्यूजिक को, नेक्स्ट और प्रीवियस का ऑप्शन भी अवेलेबल है और वॉल्यूम ज्यादा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ कैमरा शटर बटन मिलता है, स्मार्टफोन के कैमरा के जरिए स्मार्ट वॉच को टच करके फोटो कैप्चर कर सकते हैं बड़े आराम से। नेक्स्ट फाइंड फोन का ऑप्शन मिलता है, फोन कहीं रखकर भूल गए हैं तो रिंग कर सकते हैं स्मार्ट वॉच के जरिए। और यहाँ पर फ्लैशलाइट का ऑप्शन मिलता है, कहीं भी डीप डार्क सिचुएशन में है काफी काम आता है। सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर ब्राइटनेस कंट्रोल, स्क्रीन कितनी देर में टाइम आउट हो जाए तो उसको मैक्सिमम 20 सेकंड तक ऑन करके रख सकते हैं। वैसे जो रेस्ट टू वेक है ना, ये मैंने टेस्ट करके देखा, यहाँ पर जैसे ही रिस्ट फेस की तरफ लेकर आते हैं लाइट अप हो जाता है, स्मार्ट वॉच नीचे लेकर जाते हैं लाइट ऑफ हो जाता है, और ये हर बारी एक्यूरेटली काम करता है। वॉच फेस सेट करने का ऑप्शन मिलता है और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइब्रेशन की इंटेंसिटी, वीक, ऑफ या फिर स्ट्रॉन्ग, जैसे भी आपको चाहिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने नॉर्मल पर ही रखा था इसको। नेक्स्ट टाइम सेटिंग्स यहाँ पर मिलती है, अबाउट में स्मार्ट वॉच की डिटेल और ऐप डाउनलोड करने के लिए बारकोड यहाँ पर मिलता है, पावर ऑफ और रीसेट भी अवेलेबल है। नेक्स्ट ऐप के अंदर कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि 24 आवर्स की हार्ट रेट मॉनिटरिंग के लिए आप ऑन करके रख सकते हैं, यहाँ पर डिटेक्शन भी अवेलेबल है हाई लो का। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूटूथ कॉलिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं, फाइंड वॉच और जितने सारे फीचर्स स्मार्ट वॉच के जरिए भी मिल रहे थे वो सब यहाँ पर भी अवेलेबल है। ड्रिंक वाटर रिमाइंडर नहीं मिला यहाँ पर मुझे, जो कि मुझे लगता है होना चाहिए था। अलर्ट्स में यहाँ पर केवल सेडेंटरी रिमाइंडर है, जो कि कहीं बैठे हैं तो थोड़ा सा घूमने को रिमाइंड करता है। और जितना भी डेटा स्मार्ट वॉच कलेक्ट करता है ना, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी स्पोर्ट्स ट्रैकिंग से रिलेटेड हो, सबका सब सिंक होता रहता है इसके बोट हब ऐप के अंदर। बाय चांस ब्लूटूथ ऑफ भी कर दिया, वापस से जैसे ही ब्लूटूथ ऑन करेंगे क्विकली सिंक हो जाता है। बाकी जो ओवरऑल इंटरफेस है मुझे ठीक ठाक सा ही लगा, कभी कभी यहाँ पर थोड़ा सा लैग ही लगता है, वो एनिमेशन की वजह से है या फिर रिफ्रेश रेट की वजह से है, किस वजह से है वो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर ठीक ठाक सा इंटरफेस है, मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा। चार्जिंग और यूसेज टाइम की बात करें तो स्मार्ट वॉच के अंदर 240mAh की बैटरी है और यहाँ पर मैग्नेटिक केबल के जरिए 5V 1A के चार्जर का इस्तेमाल करके स्मार्ट वॉच को विद इन 2 आवर्स फुल चार्ज कर सकते हैं। और एक बार फुल चार्ज करके स्मार्ट वॉच के जरिए ब्रांड का कहना है 10 दिन तक का यूसेज टाइम मिलेगा, अगर नॉर्मली यूज करेंगे और कॉलिंग के साथ इस्तेमाल करेंगे तो 3 दिन तक का यूसेज टाइम मिलेगा। मैं बोलूंगा ये डिपेंड करता है आपके यूसेज पर, बहुत ज्यादा कॉल्स आते हैं, बहुत सारे कॉल्स पर आपने स्मार्ट वॉच के जरिए काफी देर तक बात करी तो यूसेज टाइम हो सकता है 3 दिन से भी कम मिले। लेकिन आपने अगर कॉलिंग वाला फीचर कभी ऑन करके रखा, कभी ऑफ करके रखा, बस इतने के लिए यूज करा स्मार्ट वॉच, हेलो मैं आ रहा हूँ रास्ते में हूँ, तो यहाँ पर जो यूसेज टाइम है बड़े आराम से 4 से 5 दिन का मिल जाएगा, जो कि अच्छा है। फाइनली अगर मैं सम अप करूं, बोट वेव फ्लेक्स कनेक्ट स्मार्ट वॉच आपके लिए वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच है कि नहीं,
तो ये वाला स्मार्ट वॉच लॉन्च ऑफर में 1500 में 1 रुपए कम का मिल रहा था, अभी के लिए 1800 का बेच रहा है इसको बोर्ड। और 1800 में बोलूंगा इस स्मार्ट वॉच को बिल्कुल भी कंसीडर मत करिएगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सही नहीं है स्मार्ट वॉच के अंदर, क्वालिटी इशूज से लेकर यूज इंटरफेस के अंदर। तो मैं बोलूंगा कुछ बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं कई और ब्रांड की तरफ से, उनके लिए जा सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई बटन में भी मैंने इधर वीडियोज दिए हुए हैं जो कि रिसेंटली अभी मैंने कुछ स्मार्ट वॉच रिव्यू किए हैं इसी प्राइस सेगमेंट के। बाकी अगर बोट का स्मार्ट वॉच चाहिए तो अभी कुछ दिन पहले मैंने बोट का वे बीट कॉल स्मार्ट वॉच था, वो मुझे काफी सही स्मार्ट वॉच लगा, उसके लिए जरूर से जा सकते हैं। इस स्मार्ट वॉच के अंदर लुक्स के अलावा बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको लुक्स बहुत ज्यादा पसंद है और जो चीजें मैंने बताई उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो 1500 के या फिर उससे कम में मिले तो देख सकते हैं इसको। बाकी ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके बता सकते हैं, ये स्मार्ट वॉच कैसा लगा कमेंट में जाके बता सकते हैं। वीडियो अगर ऐसे ही और देखने हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसे ही वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।